तो देखिए यहां पर अगर कोई आपसे पूछता है कि इस नंबर n के टोटल कितने फैक्टर हो जाएंगे, तो इस नंबर n के टोटल फैक्टर हो जाएंगे फाई एन इज इक्वल टू ए प्लस वन डॉट बी प्लस वन डॉट सी प्लस वन डॉट डी प्लस वन एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इस नंबर के फैक्टर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पी वन पी टू पी थ्री पी फोर आपके क्या है, प्राइम नंबर से, यानी हमने उस नंबर n को प्राइम नंबर के टर्म्स में लिखा हुआ है। अब डिस्कस करते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स या रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनमें जिनका कि अगर आप जीसीडी लेंगे या एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, तो आपको वन मिलेगा। फॉर एग्जांपल टू और फाइव, ये टू और जो फाइव नंबर हैं ये को प्राइम नंबर हैं या रिलेटिवली प्राइम नंबर है, ठीक है ना, क्योंकि इनका अगर आप जीसीडी कैलकुलेट करेंगे एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे तो वन आएगा। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं को प्राइम नंबर्स नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अपार्ट फ्रॉम वन। कॉमा नाइन भी आपके को प्राइम नंबर है क्योंकि इसमें भी केवल एक ही फैक्टर कॉमन है और वो कॉमन फैक्टर हो जाएगा यहाँ पर वन। तो वन को छोड़ करके बाकी और कोई भी यहाँ पर कॉमन फैक्टर दोनों में नहीं है। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स का अगर आप जीसीडी या एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे तो आप ऐसा बोल सकते हैं जीसीडी ऑफ टू कॉमा नाइन आपको क्या मिलेगा, वन मिलेगा। या फिर जीसीडी को आप एचसीएफ भी लिख सकते हैं, एचसीएफ क्या हो जाएगा इन टू और नाइन का वन। तो अगर दो नंबर ए और बी आपके को प्राइम नंबर हैं तो फिर इन दोनों का एच सी एफ लेने पर आपको वन मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम बोलेंगे ए और बी आर को प्राइम नंबर या फिर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। कैलकुलेट करते हैं कि एक नंबर कैपिटल एन के कितने को प्राइम नंबर हो सकते हैं। देखिए नंबर एन के वैसे तो इन्फाइनाइट को प्राइम नंबर हो सकते हैं। एक नंबर आपने लिखा है कैपिटल एन, अब इसके इन्फाइनाइट को प्राइम नंबर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि अगर आप कोई नंबर ले रहे हैं स्मॉल n जो कि 1 से ग्रेटर है और कैपिटल n से लेसर है, तो फिर उस केस में ऐसी स्मॉल n की कितनी वैल्यू हो सकती हैं जो कि इस कैपिटल n से को प्राइम हो, ठीक है ना। मतलब आप जो नंबर की अपनी रेंज ले रहे हैं वो ले रहे हैं इस रेंज में 1 से ग्रेटर है और कैपिटल n से लेस है, तो ऐसे कितने n की वैल्यूज यहाँ पर हो सकती हैं जो कि को प्राइम होंगी या रिलेटिवली प्राइम होंगी इस कैपिटल n नंबर से। तो को प्राइम नंबर कैलकुलेट करने के लिए एक एग्जांपल से इसको हम देखते हैं। मान लीजिए कि हम एक नंबर ले लेते हैं 10, n इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं। तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। इसका मतलब अगर एक नंबर मैं ले रहा हूँ स्मॉल n जो कि आपका 1 से ग्रेटर है और 10 से लेस है, तो वो नंबर अगर इस 10 से को प्राइम होगा तो उसमें 2 आपका नहीं आना चाहिए और उसमें 5 भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि को प्राइम नंबर में हमने क्या बोला है, अगर दो नंबर को प्राइम होंगे तो उन दोनों में केवल 1 एक कॉमन फैक्टर होगा, 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो अगर इस स्मॉल n नंबर में 2 आपका आ जाता है तो फिर कॉमन फैक्टर यहाँ पर 2 हो जाएगा, या 5 आ जाता है तो कॉमन फैक्टर आपका 5 आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस नंबर स्मॉल n में आपका 2 भी नहीं आना चाहिए और 3 भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें 2 आ जाएगा तो कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा, या 5 आ जाएगा तो कॉमन फैक्टर 5 आ जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे कि नंबर्स में यहां पर लिख रहा हूं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये कुछ नंबर्स हैं आपके। तो देखिए ये 2 इस 10 से को प्राइम नहीं होगा, 2 और 10 आपके को प्राइम नहीं होंगे, क्योंकि देखिए इन दोनों में आपका 2-2 फैक्टर क्या है, कॉमन आ गया है। लेकिन देखिए ये 3 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में अगर आपका कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा, 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। इसी तरीके से 4 को देखिए, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। तो अगर मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसलिए 4 और 10 आपके को प्राइम नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों का जीसीडी क्या आ जाएगा, इन दोनों का जीसीडी या एचसीएफ आ जाएगा 2, तो 4 भी को प्राइम नहीं होगा। 5 को देखिए, 5 भी को प्राइम नहीं होगा क्योंकि इन दोनों में देखिए 5 फैक्टर कॉमन आ गया। 6 भी को प्राइम नहीं होगा क्योंकि ये हो जाएगा 2 इंटू 3, यानी कॉमन फैक्टर आपका 2 आ जाएगा। 7 को प्राइम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 7 और 10 में आपका केवल 1 कॉमन फैक्टर है और वो कॉमन फैक्टर आपका केवल 1 है, तो इन दोनों का जीसीडी लेने पर आपको 1 मिलेगा। 8 भी आपका को प्राइम नहीं होगा क्योंकि ये हो जाएगा आपका 2 क्यूब, तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर 2 आ जाएगा। 9 आपका को प्राइम हो जाएगा क्योंकि 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, तो आपका यहाँ पर इन दोनों में देखिए एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है। देखिए यहाँ पर जो आपकी रेंज होगी वो रेंज आपका ये हो जाएगा, यानी लेस देन एन की हम बात कर रहे हैं। ऑल नंबर को प्राइम टू एन
एंड लेस देन एन, लेस देन एन यानी एन से लेस की हम बात कर रहे हैं, तो इस रेंज में मान लीजिए कि हम वन को भी आपका इंक्लूड कर रहे हैं, यानी हम लेस देन एन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, लेस देन एन की बात कर रहे हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपका वन और फाइव, वन और फाइव भी आपके कोप्राइम नंबर है, क्योंकि इनका भी अगर आप जीसीडी लेंगे तो जीसीडी आपको क्या मिलेगा, वन मिलेगा या एचसीएफ वन मिलेगा, या आप ले रहे हैं वन और फोर, वन और फोर भी आपके कोप्राइम नंबर होंगे क्योंकि इनका भी आपका जीसीडी वन मिलेगा। तो मान लीजिए इस कैलकुलेशन में मैं वन को भी ले रहा हूं, तो अगर वन को भी लूंगा तो वन और टेन भी आपका क्या हो जाएगा, एक कोप्राइम नंबर हो जाएगा। तो टोटल यहां पर कितने कोप्राइम नंबर होंगे, टोटल आपके यहां पर फोर कोप्राइम नंबर होंगे, क्योंकि इन फोर नंबर में आपका, फोर नंबर में आप कोई भी नंबर पिक कीजिए, उसमें और टेन में आपका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। अब यहां पर ये डिस्कस करते हैं कि ये कोप्राइम नंबर आप कैसे निकालेंगे। अगर एक नंबर कोप्राइम होगा 10 से तो उसमें 2 नहीं आना चाहिए और 5 भी उसमें नहीं आना चाहिए, यानी उस नंबर में अगर 2 नहीं आएगा और 5 भी नहीं आएगा तब वो नंबर कोप्राइम होगा इस 10 से। अब यहां पर एक बात और नोट कीजिए, ये जो 2 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये कहां पर आएगा, तो 2 नंबर आपका हर 2-2 के बाद आएगा। देखिए 2 नंबर आपके 2-2 के बाद आएगा, जैसे देखिए यहां पर 2 है, फिर देखिए इसके बाद फिर यहां पर 2 मिलेगा आपको, फिर यहां पर 2 मिलेगा, फिर यहां पर 2 मिलेगा, तो 2 आपको मिलेगा 2-2 के बाद। तो देखिए यहां पर 2 है, इंटरवल आपका 2-2 का आप ले रहे हैं, यहां पर भी देखिए फिर 2 मिला, यहां पर भी आपको 2 मिलेगा, यानी हर दूसरे नंबर में आपको 2 मिलेगा, तो 2 आपको हर दूसरे नंबर में मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे 3 आपको कहां मिलेगा, तो 3 आपको हर तीसरे नंबर पर मिलेगा। देखिए यहां 3 मिला, इस पर 3 मिला, अब नेक्स्ट थर्ड नंबर पर आपको 3 मिलेगा, फिर इसके थर्ड नंबर पर आपको 3 मिलेगा, यानी 3 आपको हर थर्ड वेल नंबर पर मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे कि 5 आपको कहां मिलेगा, तो 5 आपको हर पांचवें नंबर पर मिलेगा। देखिए यहां पर प्राइम नंबर्स को ही हम ले रहे हैं केवल, तो 5 आपको मिलेगा हर पांचवें नंबर पर। देखिए यहां पर 5 मिला है, फिर आपको 5 मिलेगा 10 पर। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 आपको हर दूसरे नंबर पर मिलेगा, 3 आपको हर तीसरे नंबर पर मिलेगा, और 5 आपको हर पांचवें नंबर पर मिलेगा, इसी तरीके 7 आपको हर सातवें नंबर पर मिलेगा। तो कंडीशन क्या है कोप्राइम होने के लिए, कंडीशन ये है कि उसमें देखिए आपका 10 में 2 और 5 का फैक्टर आ रहा है, तो उस नंबर में 2 नहीं आना चाहिए और उस नंबर में 5 भी नहीं आना चाहिए। तो यहां पर आप, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2 आपको हर दूसरे नंबर पर मिलेगा, ठीक है ना, इसका मतलब 2 मिलने के चांसेस क्या है, 2 मिलने के चांसेस हैं 1/2, 2 मिलने के चांसेस हैं आपके 1/2, क्योंकि आपको हर दूसरे नंबर पर 2 मिलेगा। तो 2 नहीं मिलने के क्या चांसेस होंगे, 2 नहीं मिलने के चांसेस होंगे 1-1/2 = 1/2। इसका मतलब आप नंबर उठाइए, देखिए इसमें से कि आपका हाफ चांसेस है कि उस नंबर में आपका 2 होगा, तो 2 मिलने के चांसेस है 1/2, 2 नहीं मिलने के चांसेस है 1-1/2। इसी तरीके से मैं अगर आपसे पूछता हूं कि 3 मिलने के क्या चांसेस हैं, तो 3 मिलने के चांसेस हो जाएंगे 1/3, क्योंकि हर तीसरा नंबर आपका, हर तीसरे नंबर में आपको 3 मिलेगा, तो 3 मिलने के चांसेस हैं 1/3, और 3 नहीं मिलने के क्या चांसेस हैं 1-1/3। तो इस 10 का कोप्राइम नंबर क्या होगा, इस 10 का कोप्राइम नंबर वो होगा जिसमें 2 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा। अगर उसमें 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, देन डेफिनेटली वो कोप्राइम होगा इस 10 से। तो देखिए इसमें आपका 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, इसलिए कोप्राइम था, इसमें आपका 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, इसलिए कोप्राइम था, इसमें भी आपका 2 और 5 नहीं है, इसलिए आपका कोप्राइम है, 9 में भी आपका 2 और 5 नहीं है, इसलिए आपका कोप्राइम है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए उस नंबर में 2 नहीं होना चाहिए, 2 होने के चांसेस है 1/2, 2 नहीं होने के चांसेस हो जाएंगे 1-1/2। इसी तरीके से उस नंबर में 5 भी नहीं होना चाहिए, अब हर पांचवा नंबर में 5 होगा, यानी 5 होने के चांसेस हो जाएंगे 1/5, 5 नहीं होने के चांसेस हो जाएंगे 1-1/5। तो ये टोटल चांसेस हैं कि उस नंबर में आपका 2 भी ना हो और उस नंबर में 5 भी ना हो, ठीक है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि उस नंबर में आपका 2 भी ना हो और उस नंबर में आपका 5 भी ना हो। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए उस नंबर से, तो उस नंबर से n से हमने यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू आपका 10 और ये आपका हो जाएगा 1/2 और ये आपका हो जाएगा 4/5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसका आपका आंसर आ जाएगा 4। तो देखिए 4 आपके पास नंबर्स हैं जिनमें की जो कि कोप्राइम है इस 10 से। अब मान लीजिए कि आपने एक नंबर लिखा n, कैपिटल n आपने लिखा हुआ है, n इज इक्वल टू p1 एक प्राइम नंबर है, p2 भी प्राइम नंबर है, p3 भी प्राइम नंबर है, तो n इज इक्वल टू p1 पावर a, p2 पावर b, p3 पावर c। आपको वो सारे को प्राइम नंबर यहां पर लिखने हैं जो कि आपका n से लेस हो, ठीक है ना, n से लेस सभी को प्राइम नंबर आपको लिखने हैं, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं वो सभी को प्राइम नंबर लिखने हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है ना। अब तो वो कितने को प्राइम नंबर यहां पर होंगे, अब देखिए
उस को प्राइम नंबर में, उस नंबर में आपका p1 नहीं होना चाहिए, तो p1 होने की प्रोबेबिलिटी, p1 होने के चांसेस हो जाएंगे 1/p1, नहीं होने के चांस हो जाएंगे 1 - 1/p1। उस नंबर में p2 भी नहीं होना चाहिए, p2 होने के चांसेस है 1/p2, नहीं होने के चांसेस हो जाएंगे 1 - 1/p2। इसी तरीके से p3 भी नहीं होना चाहिए, तो p3 नहीं होने के चांसेस हो जाएंगे 1 - 1/p3। यानी वो जो नंबर आप ले रहे हैं उसमें p1 भी नहीं होगा, p2 भी नहीं होगा, p3 भी नहीं होगा, तो p1 नहीं होने के एंड p2 भी नहीं होने के एंड p3 भी नहीं होने के जो चांसेस हैं वो आपके टोटल ये हो जाएंगे। उसको आप n से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको वो सारे नंबर्स मिल जाएंगे जो कि कोप्राइम होंगे n से और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। इसका मतलब अगर अगर हम आपसे पूछें कि 126 से छोटे कितने कोप्राइम नंबर होंगे, 126 से छोटे कितने कोप्राइम नंबर होंगे, तो आप ऐसा बोल सकते हैं 126 से छोटे कोप्राइम नंबर हो जाएंगे 126 इंटू 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/7। तो टोटल इतने नंबर्स होंगे जो कि इस 126 से छोटे होंगे और कोप्राइम होंगे इस 126 से, ठीक है ना। क्योंकि इतने नंबर्स में आपका 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा और 7 भी नहीं आ रहा होगा, तो जब उसमें 2, 3 और 7 नहीं आएंगे तो डेफिनेटली वो इस 126 से कोप्राइम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप 11 को ले लीजिए, 11 में आपका 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, तो वो इससे कोप्राइम है। या आप यहां पर 5 ले लीजिए, 5 भी कोप्राइम है, क्योंकि 5 में भी आपका 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है और 7 भी नहीं है, तो आप 5 कोप्राइम है, 5 स्क्वायर आपका यहां पर कोप्राइम होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से 11 आपका कोप्राइम है, 5 × 11 यहाँ पर आपका क्या होगा, कोप्राइम होगा, क्योंकि इन दोनों का जीसीडी आप लेंगे तो आपको आपका 1 मिलेगा। तो ये नंबर्स होंगे जो कि कोप्राइम होंगे 126 से, और टोटल ऐसे इतने नंबर्स होंगे। कि अगर कोई आपसे ये पूछता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेयर विच हैव देयर प्रोडक्ट एस एन, मतलब ऐसे कितने पेयर होंगे ए और बी नंबर के जिनको कि अगर आप प्रोडक्ट करें तो उनकी वैल्यू आपको एन मिले। जैसे कि 126 को ही ले लेते हैं, 126 को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये इसकी वैल्यू मिल जाएगा आपको 2 × 3² × 7। तो 126 को अगर आप ले रहे हैं तो ऐसे कितने आपके पेयर होंगे जिसको कि प्रोडक्ट करने पर आपको 126 मिले। तो देखिए ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि 126 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, इसके देखिए टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे आपके 2 × 3 × 2, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसके टोटल 12 फैक्टर्स होंगे, 126 के टोटल 12 फैक्टर्स होंगे। तो वो हम यहाँ पर इसके टोटल 12 फैक्टर्स लिख रहे हैं, 2 power 0, 3 power 0, 7 power 0। इसमें क्या किया है, 2 power 1, 3 power 0, 7 power 0। इसमें क्या किया है, 2 power 0, 3 power 1, 7 power 0। इसमें आपने क्या किया है, 2 power 0, 3 power 0 × 7 power 1। इसी तरीके से इसमें आपने क्या किया है, 2 power 1, 3 power 2 × 7 power 1। तो इस तरीके से इन पावर्स में अगर आप पावर्स के कॉम्बिनेशंस करेंगे तो आपको ये इस तरीके से टोटल 12 फैक्टर्स मिल जाएंगे। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको पेयर फाइंड आउट करना है। तो अगर हम आपसे ये कहें कि आप फर्स्ट और लास्ट वाले को उठा लीजिए, इनका प्रोडक्ट करने पर आपको 126 मिलेगा। देखिए फर्स्ट को लीजिए और लास्ट को लीजिए, इनका अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको 126 मिलेगा। इसी तरीके से आप 2 को लीजिए और 63 को लीजिए तो आपको 126 मिलेगा। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो पावर्स यहाँ पर आपकी मिसिंग है वो पावर आपको यहाँ पर मिलेंगी। देखिए 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 63 को मैं लिख सकता हूँ 3² × 7। 63 को मैं लिख सकता हूँ, 63 को मैं लिख सकता हूँ 3² × 7, और 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 power 1। अब देखिए पावर में क्या मिसिंग था, यहाँ पर केवल 2 मिसिंग था, तो वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सेकंड वाले फैक्टर को और 11 वाले फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पर मुझे 126 मिल जाएगा। इसी तरीके से इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर भी मुझे 126 मिल जाएगा, 3 × 42 = 126। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या मिसिंग है, यहाँ पर 3 power 1 मिसिंग है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × 7, यानी केवल एक 3 power 1 मिसिंग थी तो वो मुझे यहां से मिल गई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसी तरीके से मैं बोल सकता हूं 7 × 18 = 126, क्योंकि यहां पर देखिए आपका 7 मिसिंग था, 2 × 3² और 7 को मैं लिख सकता हूं 7 power 1। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं इस तरीके से पेयर बनाता आऊंगा तो मुझे ए और बी के पेयर यहां पर मिल जाएंगे। अब देखिए टोटल कितने फैक्टर है मेरे पास, 12 फैक्टर है, तो कितने ऐसे पेयर बनेंगे, 6 पेयर बनेंगे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास 12 फैक्टर है तो ये जो पेयर बनेंगे वो 6 हो जाएंगे, 12 / 2 = 6। तो 6 ऐसे पेयर होंगे ए और बी के जो कि जिनको कि प्रोडक्ट करने पर आपको एन मिलेगा। जैसे कि ये पेयर 1 हो जाएगा, ये पेयर 2 हो जाएगा, पेयर 3 हो जाएगा, पेयर 4 हो जाएगा, और इसी तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो टोटल आपके 6 पेयर यहां पर आपको मिल जाएंगे।
देखिए यहां पर एक बात और नोट कीजिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि पेयर को मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं 1 क्रॉस 126 और 126 क्रॉस 1, तो मैं यहां पर इसको एक ही मान रहा हूं, ठीक है ना। इसका मतलब ए क्रॉस बी लिख रहा हूं या बी क्रॉस ए लिख रहा हूं, इसको मैं एक ही पेयर मान रहा हूं, ठीक है ना। वैसे तो देखिए अगर आप इसको अलग अलग मानेंगे, ए क्रॉस बी को अलग पेयर मानेंगे, बी क्रॉस ए को अलग पेयर मानेंगे, तो फिर आपके ये दो पेयर हो जाएंगे, लेकिन यहां पर मैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को सेम मान रहा हूं, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं एजम्पशन मेरा ये है तो मैं बोल सकता हूं कि मुझे यहां पर टोटल 6 पेयर मिलेंगे। के टोटल 12 फैक्टर है, उन 12 फैक्टर को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, देन आप एक एक फैक्टर इधर से उठाते जाइए और एक एक फैक्टर उधर से उठाते जाइए, तो जो यहां पर आपको गेन हो रहा है वो वहां पर मिसिंग होगा। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इंडेक्स आपको ये जाएगी, यानी वो नंबर मिल जाएगा आपको। तो आप 1 by 1 इनके पेयर करते आइए, तो टोटल 12 फैक्टर है, यानी कितने तरीके से आप पेयरिंग कर सकते हैं, 6 तरीके से पेयरिंग कर सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल 6 ऐसे ए क्रॉस बी के पेयर होंगे जिसको कि प्रोडक्ट करने पर आपको 126 आंसर मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो इस केस में 12 आपके फैक्टर हैं, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 6 पेयर ऐसे मिल जाएंगे। अब देखिए यहां पर एक बात ये नोट कीजिए कि आपके जो यहां पर फैक्टर थे वो इवन थे, फैक्टर जो थे वो इवन थे, तो 2 से डिवाइड आप इसको कर सकते थे। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपके फैक्टर ओड आए, फैक्टर ओड भी तो हो सकते हैं, जैसे कि आप 144 का एग्जांपल लीजिए, अगर आपका नंबर 144 होता, एक क्वेश्चन जैसे कि डिस्कस करते हैं, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पेयर और पॉसिबल विच हैव देयर प्रोडक्ट एज 144। तो देखिए 144 को अगर मैं फैक्टराइज करता हूं या प्राइम नंबर के टर्म्स में लिखूंगा तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। अब मैं यहां पर चेक करता हूं कि इस 144 के टोटल कितने फैक्टर होंगे, तो देखिए ये मैं इसके मैं ऐसा बोल सकता हूं 4 + 1 × 2 + 1, यानी मैं इसको बोल सकता हूं 5 × 3, यानी टोटल 15 फैक्टर होंगे, यानी 144 के टोटल 15 फैक्टर होंगे। तो अगर इसके ऑड फैक्टर्स आ रहे हैं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर एक नंबर के इवन फैक्टर आ रहे हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जैसे इससे पिछले वाला केस को आप चेक कर सकते हैं, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। और अगर किसी नंबर का ओड नंबर ऑफ फैक्टर आ रहे हैं तो वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब जैसे कि आप इसको चेक कर सकते हैं, इस 144 के टोटल कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 15, तो 144 आपका एक आपका जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपका 12 का स्क्वायर है, तो वो नंबर आपका फिर क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब ये क्लेम मैं कैसे कर सकता हूं, तो ये क्लेम मैं इस तरीके से कर सकता हूं। देखिए यहां पर क्या मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, मैं वो पेयर फाइंड आउट कर रहा हूं ए क्रॉस बी का, जिसको कि मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 144 मिले। तो मैं इसके टोटल 15 फैक्टर यहां पर लिख लूंगा और लास्ट फैक्टर हो जाएगा इसका 144। ये आपका पहला फैक्टर होगा और ये आपका 15वां फैक्टर होगा। फिर इसके बाद में देखिए इसके कॉम्बिनेशन में ट्राई करता हूँ, मैं मान लीजिए 2 का ले ले रहा हूँ, केवल 2 को ले ले रहा हूँ, तो इसका ये सेकंड फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पर 2 मेरा मिसिंग होगा तो मेरा नंबर हो जाएगा 2³ × 3² ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों को लेने पर ये अब मेरा 14वां फैक्टर होगा, तो इन दोनों को लेने पर भी मुझे यही मिल जाएगा 2 × 4 = 3². अब देखिए मैं थर्ड फैक्टर इसका लिख रहा हूँ, थर्ड फैक्टर इसका हो जाएगा 3, यहाँ पर मैंने केवल 3 को लिया है, ठीक है ना। और यहाँ पर मेरा क्या होगा, 13वां वाला फैक्टर में देखिए मेरा 3 मिसिंग होगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2⁴ × 3। इसके अलावा देखिए फोर्थ फैक्टर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, फोर्थ फैक्टर मेरा यहाँ पर हो जाएगा 2² यहाँ पर मेरा नेक्स्ट हो जाएगा 2² और यहाँ पर मेरा 12 वाला हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा मेरा 12। तो देखिए ये जो 144 के टोटल आपके 15 फैक्टर होंगे, अब ये ऑलरेडी हम क्लेम कर चुके और ये हम आपको क्लेम कर चुके हैं कि अगर फैक्टर आपके ओड हैं तो वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। ऐसा क्यों होगा, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसके पेयर बनाएंगे तो देखिए 1 और इस 15 को लेने पर, 1 और 15 को लेने पर इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए ये आपका ए है और 15 वाला 144 आपका बी है, मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा आपको 144। इसी तरीके से 2 को और 14 को लीजिए, 144 मिलेगा, 2 × 14 आपका क्या आ जाएगा, यस 2 × दिस टर्म को इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए आपका बी है, 144 आपको मिलेगा। 3 और 13 को लीजिए, 4 और 12 को लीजिए, 5 और 11 को लीजिए, इसी तरीके से 6 और 10 को लीजिए, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 144। 7 और 9 को लीजिए, लेकिन देखिए एक आपका बच गया, क्या बच गया आपका, 8 वाला फैक्टर बच गया, क्योंकि इसके पेयरिंग आपकी किसी के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि ये नंबर क्या है ओड, इसका मतलब इसको इसी के साथ करना पड़ेगा,
इसको इसी के साथ करना पड़ेगा तब आपको 44 मिलेगा। तो जरा इसको आप चेक कर सकते हैं, ये आपका क्या है 12 ही तो है, तो 12 को आप 12 के साथ लेंगे तो क्या मिल रहा है 144। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब मैं इसकी पेयरिंग करूंगा तो एक फैक्टर मेरा बच जाएगा जिसकी कि मैं पेयरिंग यहां पर नहीं कर पाऊंगा, तो उसको उसी के साथ लेना पड़ेगा, तो इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इनफैक्ट आप यहां पर चेक भी कर सकते हैं, देखिए इसको मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूं और इसको मैं 3 लिख सकता हूं, तो इसका स्क्वायर करने पर ही तो मुझे ये मिल रहा है, तो देखिए वो नंबर आपका ये होगा जिसकी कि मैं पेयरिंग यहां पर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर नंबर ऑफ फैक्टर आपके ओड होंगे। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर टोटल कितने पेयर्स होंगे, तो टोटल पेयर्स यहाँ पर आपके कितने होंगे 8 हो जाएंगे, टोटल पेयर यहाँ पर आपके 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए ये फर्स्ट पेयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और 8, क्योंकि एक की, क्योंकि ये 8 वाले फैक्टर की पेयरिंग, इस 8 वाले फैक्टर की पेयरिंग आपको इसी के साथ करनी पड़ेगी, तो टोटल पेयरिंग आपकी हो जाएंगे यहाँ पर 8। 115 की पेयरिंग आप कर सकते हैं, 214, कितने पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं आपके टोटल यहाँ पर 8 पेयर एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर इस केस में जो आप आंसर देंगे, देखिए यहाँ पर हम ऑलरेडी आपको ये बता चुके हैं कि आप 1 क्रॉस 44 लिखिए या 144 क्रॉस 1 लिखिए, ये दोनों में एक ही मान रहा हूँ। इसका मतलब इसमें ऑर्डरिंग मैंने नहीं की है, मैं यहाँ पर A क्रॉस B लिखिए या B क्रॉस A लिखिए, वो एक ही बात मैं यहाँ पर लेकर के चल रहा हूँ। तो उस सेंस में आपके टोटल यहाँ पर 8 पेयर होंगे, ठीक है ना, आपके यहाँ पर टोटल 8 पेयर होंगे। तो फिर आप कैसे निकालेंगे, आप ऐसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर 15 अगर आपके ओड है, अगर फैक्टर्स आपके ओड है तो फिर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8, यानी टोटल यहां पर आपके 8 पेयर्स होंगे। अगर फैक्टर्स आपके इवन है देन नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय 2, और अगर आपके फैक्टर्स ओड है देन नंबर ऑफ फैक्टर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 164 persons have to be arranged row wise and column wise in a classroom, find out in how many ways they can be arranged. 164 persons have to be arranged row wise and column wise in a classroom, find out in how many ways they can be arranged. तो टोटल आपके पास 164 स्टूडेंट्स हैं और आपको उनको सिट करना है, आपको उनको अरेंज करना है रो वाइज और कॉलम वाइज। तो देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम इस तरीके से भी आप इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि मान लीजिए कि उस क्लासरूम में ए रो हैं और बी कॉलम्स हैं, ए रोज हैं और बी कॉलम्स हैं, तो ए इंटू बी आपका क्या हो जाएगा 164। अगर 164 स्टूडेंट्स को आपको सेट करना है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक रो में आपके ए एक के टोटल वहां पर ए रोज होंगी और आपके बी कॉलम्स होंगे। देखिए यहाँ पर ए और बी का ऑर्डर भी मैटर करेगा, जैसे कि मान लीजिए 164 स्टूडेंट्स को आप इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं 164 रोज एंड 1 कॉलम, सभी स्टूडेंट्स को आप एक ही कॉलम में सेट कर सकते हैं, तो हो जाएंगे 164 रोज इनटू 1 कॉलम। या आप ऐसा बोल सकते हैं 1 क्रॉस 164, इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 1 रो एंड 164 कॉलम्स, 1 रो एंड 164 कॉलम, यानी आप सभी स्टूडेंट्स को एक रो में सेट कर देंगे, सभी स्टूडेंट्स को एक ही रो में सेट कर देंगे, तो आपका ये हो जाएगा 1 रो एंड 164 कॉलम्स। इसका मतलब यहां पर ऑर्डर मैटर कर रहा है, ये यहां पर आपका ऑर्डर मैटर कर रहा है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का यहां पर ऑर्डर मैटर कर रहा है। इसका मतलब है 1 रो एंड 164 कॉलम, इसका मतलब है 164 रो एंड 1 कॉलम, ये आपका 164 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 82 रो एंड 2 कॉलम, इसका मतलब ये है कि 2 रो एंड 82 कॉलम्स। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन अब आपके डिफर कर रहे हैं, अलग अलग है, इसका मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो सिटिंग अरेंजमेंट में आपको इनको अलग अलग लेना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, 164 को फैक्टराइज कर लीजिए। तो 164 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे, ये 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 82, यानी 2 पावर आपने इसमें से निकाल दिया। फिर इसको आप 2 से डिवाइड करिए तो मिलेगा 41 और आपको पावर मिल जाएगा 2, यानी 2 स्क्वायर इंटू 41। तो फैक्टराइज करने पर आपको मिल जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 41, यानी इसके 164 के टोटल कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, तो 164 के टोटल फैक्टर हो जाएंगे 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, यानी 164 के टोटल 6 फैक्टर यहां पर होंगे। तो उन 6 फैक्टरों की आप पेयरिंग करते जाइए, और यहां पर ये ध्यान रखिए कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, यानी आपको A और B और B और A को दोनों को अलग अलग लेना पड़ेगा। तो टोटल कितने पेयरिंग हो जाएंगे यहां पर, टोटल आपके कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे, 6 अरेंजमेंट हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A,
ये ए और बी का अरेंजमेंट और बी और ए का अरेंजमेंट अलग अलग है क्योंकि ए बता रहा है नंबर ऑफ रो को और बी बता रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को। स्टूडेंट्स को आप यहाँ पर सिक्स तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब वो सिक्स अरेंजमेंट क्या होंगे तो वो भी हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट अरेंजमेंट हो जाएगा 1 क्रॉस 164, सेकेंड हो जाएगा 164 क्रॉस 1 2। इसमें देखिए आपका 2 रो 82 कॉलम 82 रो 2 कॉलम, ठीक है ना। तो टोटल आपके कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे यहाँ पर, 6 अरेंजमेंट हो जाएंगे। तो जितने फैक्टर होंगे उतने अरेंजमेंट होंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पर 144 गिवन होता, अगर आपको यहाँ पर 144 गिवन होता तो ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। तो मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 4 3 स्क्वायर। तो इसके देखिए टोटल कितने फैक्टर्स हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके टोटल फैक्टर हो जाएंगे 5 × 3, यानी टोटल 15 फैक्टर्स हो जाएंगे। तो फिर क्या आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं कि अब कितने अरेंजमेंट होंगे। देखिए टोटल इसके 15 फैक्टर्स हो जाएंगे और ये ध्यान रखिए कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अब यहाँ पर अलग अलग होंगे। तो ये मान लीजिए आपके फैक्टर हैं 1, 2, 3, 4, 5th फैक्टर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखिए अब आपके यहाँ पर टोटल टोटल कितने फैक्टर हैं, 15 फैक्टर हैं। तो देखिए एक एक तो आपको मिलेगा इस 115 और 15 वन से, दूसरा आपको मिलेगा 214 और 14 टू से, तीसरा आपको मिलेगा 313 और 13 थ्री से, 412 और 12 फोर से, 511 और 11 फाइव से, 610 और 106 से, 79 और 97 से, और एक मिलेगा आपको 88 से। तो ये 8 वाला फैक्टर कौन सा था, 8 वाला फैक्टर था आपका 12, 8th वाला फैक्टर था आपका 12। इसका मतलब 12 क्रॉस 12, या फिर आप लिख सकते हैं इसको 12 क्रॉस 12, ये दोनों क्या है आपके सेम ही है, 12 रो 12 कॉलम 12 कॉलम 12 रो, एक ही बात है ये। तो फिर इस केस में आपको एक मिलेगा, बाकी सभी केसेस में आपको दो दो मिलेंगे। जैसे कि इस केस में क्या होगा, देखिए फर्स्ट फैक्टर क्या है, फर्स्ट फैक्टर इसका 1 और लास्ट वाला फैक्टर होगा इसका 144, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं 1 क्रॉस 144 या 144 क्रॉस 1, ये दोनों अलग अलग है। इसका मतलब है 1 रो 144 कॉलम्स, इसका मतलब है 144 रो 1 कॉलम। लेकिन ये जो आपका चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पर आपको ओड मिलेंगे, तो ये जो आपका मिडिल वाला यानी 8th वाला जो होगा ये सेम हो जाएगा, क्योंकि आपका ये 12 आएगा फैक्टर, ये 8th वाला फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 12, तो 12 क्रॉस 12 ये आपका क्या हो जाएगा, एक होगा। इसको छोड़ करके बाकी सभी में आपको कितने मिलेंगे, दो दो मिलेंगे। तो इस केस में मैं सब बोल सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो इस केस में आपके अरेंजमेंट हो जाएंगे 15, क्योंकि देखिए इस एक फैक्टर को यहाँ पर छोड़ दीजिए, इस मिडिल वाले फैक्टर को आप छोड़ दीजिए, इस मिडिल वाले फैक्टर को अगर आप छोड़ देते हैं तो टोटल कितने फैक्टर आपके बचेंगे। देखिए टोटल फैक्टर आपके पास 15 है, एक फैक्टर आपने छोड़ दिया, 14 फैक्टर आपके पास बचे। और अगर आप इन 14 फैक्टर्स की पेयरिंग लेंगे तो 7 आपके पेयर्स बनेंगे। 15 आपके पास टोटल फैक्टर थे, इस फैक्टर को हमने छोड़ दिया, टोटल 14 फैक्टर्स हमारे पास बचे हुए हैं। अब उनकी हम पेयरिंग कर रहे हैं, तो पेयरिंग आप करेंगे तो 7 टाइप से उसकी पेयरिंग होगी। अब देखिए वो 2 2 आप उसको ले सकते हैं, 1 और 15 और 15 और 1 अलग अलग हैं, 1 क्रॉस 144, 144 क्रॉस 1, ये दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसके लिए 7 × 2 यानी टोटल 14 अरेंजमेंट होंगे, प्लस इसके लिए केवल एक ही अरेंजमेंट होगा 12 क्रॉस 1। तो 14 + 1 आपका कितना हो जाएगा 15, यानी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट यहाँ पर हो जाएंगे 15। इसका मतलब अगर ये फैक्टर आपका ऑड है, अगर नंबर ऑफ फैक्टर ऑड है तो हम ऐसा बोल सकते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैक्टर्स। और अगर मान लीजिए ये नंबर ऑफ फैक्टर आपके इवन थे, जैसे कि इससे पिछले वाले केस में नंबर ऑफ फैक्टर आपके कितने आ रहे थे, 6 फैक्टर मिल रहे थे, तो वहां पर भी आपके 6 ही अरेंजमेंट आ रहे थे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैक्टर, जितने फैक्टर्स होंगे उतने ही अरेंजमेंट होंगे, ठीक है ना। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपके फैक्टर है ऑड, आपके फैक्टर्स मान लीजिए ऑड हैं, मान लीजिए आपके फैक्टर हैं ऑड, मान लीजिए 3 फैक्टर्स आपको मिल रहे हैं 1, 2 और 3। तो देखिए यहाँ पर ए और बी और बी और ए दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1, 3 और 3, 1, लेकिन इसके लिए सेम हो जाएगा तो इसको मैं लिखूंगा 2, 2। तो टोटल कितने अरेंजमेंट हो रहे हैं, 3 अरेंजमेंट, अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर। लेकिन मान लीजिए कि अगर नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास 4 होते, 1, 2, 3 और 4, ये 4 मुझे फैक्टर मिल रहे होते, तो फिर मैं इस तरीके से इसको अरेंज कर सकता, तो फिर यहाँ पर नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाते 1, 4 या 4, 1, 2, 3 या 3, 2। तो फिर इस केस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट मेरे क्या हो जाते 4, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैक्टर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैक्टर्स।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. ए रेक्टेंगल ऑफ एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए रेक्टेंगल ऑफ एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज टू बी मेड विद द हेल्प ऑफ वायर्स. फाइंड आउट हाउ मेनी डिफरेंट रेक्टेंगल्स कैन बी मेड. आप यहां पर इस 144 एरिया के लिए कितने रेक्टेंगल्स यहां पर फॉर्म कर सकते हैं, कितने डिफरेंट रेक्टेंगल्स यहां पर हो सकते हैं. देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक एजम्पशन ले रहा हूं. एजम्पशन ये ले रहा हूं कि यहां पर जो मेरा रेक्टेंगल होगा उसमें लेंथ और विड्थ में ये रिलेशनशिप होगा. लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन विड्थ, तो इसको मैं रेक्टेंगल बोल रहा हूँ. देखिए वैसे मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली आपका एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, एक स्क्वायर भी आपका एक रेक्टेंगल होता है. तो स्क्वायर के केस में क्या होता है कि लेंथ इज इक्वल टू विड्थ होता है, तो वो यहाँ पर हम उसको रेक्टेंगल नहीं मानेंगे. हम रेक्टेंगल उसको मानेंगे जिसमें कि लेंथ इज ग्रेटर देन विड्थ होगा. इसका मतलब अगर मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि आपका 3 लेंथ और 1 विड्थ का आपका एक रेक्टेंगल है, तो मैं इसको अगर 3x1 लिख रहा हूँ या 1x3 लिख रहा हूँ तो हायर वाले को मैं ऑलवेज लेंथ मानूंगा. इसका मतलब ये लेंथ हो जाएगी और ये मेरी विड्थ हो जाएगी, और ये मेरी लेंथ हो जाएगी और ये मेरी विड्थ हो जाएगी. यानी मैं रेक्टेंगल के केस में, मैं इस केस में जो रेक्टेंगल को एज्यूम कर रहा हूँ वो ये कंडीशन को एज्यूम कर रहा हूँ, यानी लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन विड्थ, उसको मैं एक रेक्टेंगल मान रहा हूँ. तो इस कंडीशन को लगाते हुए क्या आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं कि 144 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने रेक्टेंगल होंगे जिनका कि एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. अब यहाँ पर जैसे कि अगर आप इसको एक स्क्वायर लेते हैं, जैसे 12x12 भी आपका 144 होता है, लेकिन वो यहाँ पर रेक्टेंगल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन. तो इस डेफिनेशन को यूज करते हुए आप यहां पर क्या बता सकते हैं कि कितने रेक्टेंगल्स होंगे. जैसे कि अगर आपने लिखा 6x24 या 24x6, तो स्मॉलर को मैं विड्थ मान लूंगा, ये विड्थ हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा, इसमें मैं इसको लेंथ मान लूंगा और इसको विड्थ मान लूंगा. तो यहाँ पर देखिए ये ए बी और बी ए मेरे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. या तो 6x24 लिखिए, 24x6 लिखिए, यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इसका फैक्टराइज कीजिए. तो 144 को फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2^4 × 3² 5 × 3, यानी टोटल 15 इसके फैक्टर्स होंगे. तो उन 15 फैक्टर में से एक फैक्टर आपका 12 होगा, एक फैक्टर आपका 12 भी होगा. तो 12x12 के केस में तो आपको एक स्क्वायर मिलेगा, तो उसको तो मैं यहाँ इंक्लूड नहीं करूँगा. इसके अलावा फैक्टर बचे आपके पास 14, तो 14 फैक्टर के हेल्प से आप यहाँ पर टोटल 7 पेयर बना सकते हैं. 7 पेयर बना सकते हैं, जैसे कि एक पेयर में लिख रहा हूँ 1x144 और 144x1. तो ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि ये दोनों मेरे सेम होंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि जो हायर होगा उसको मैं लेंथ मान ले रहा हूँ, स्मॉलर को मैं विड्थ मान ले रहा हूँ, तो ये दोनों को मैं एक ही कंसिडर करूंगा, तो अलग अलग तो मैं इसको मानूंगा नहीं. तो फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस केस में मेरे 7 रेक्टेंगल बनेंगे. 14 फैक्टर से मैं 7 पेयर बनाऊंगा, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था. तो उन 7 पेयर से मुझे 7 रेक्टेंगल्स मिल जाएंगे.